लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान आने वाले हैं आमने सामने इस मूवी में नजर, और जानिए किसने किया रिप्लेस आमिर खान को। सुपरस्टार हीरो ऋतिक रोशन और सैफ अली खान साथ में एक मूवी में नजर आने वाले हैं। ये मूवी साउथ की फिल्म विक्रम वेदा का रीमेक बनाया जा रहा है, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन आमने सामने नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं सैफ अली खान नजर आने वाले हैं एक पुलिस के किरदार में। पहले की बात की जाए तो इस फिल्म में आमिर खान का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि आमिर खान ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद गैंगस्टर के किरदार के लिए चुना गया था ऋतिक रोशन को, और माना गया उन्हें इस किरदार के लिए परफेक्ट, जिसके बाद सैफ अली खान और ऋतिक रोशन को इस मूवी के लिए कर दिया गया है फाइनल, जिसके बाद इस बात से दोनों के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म के लिए फैंस काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। दर्शकों को साउथ की हिंदी रीमेक फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, ये बात की अंदाज़ा आप कबीर सिंह से लगा सकते हैं। कबीर सिंह एक साउथ की फिल्म है जिसमें हिंदी रीमेक बनाया गया था, जिसमें शाहिद कपूर नज़र आए।